देख पा रहे होंगे हमारे साथ अभी। चलिए आप चलिए जाते आ रहे हैं, चलिए ठीक है भैया। बढ़िया बढ़िया बहुत बढ़िया। क्या अभी हम लोग मिल चुके हैं रास्ते में, राकेश मिश्रा है अभी अभी आरक धरती पर आए हैं और जग में भैया कवरेज करेंगे, क्या कहिएगा जग में पहुंच रहे हैं। जाम लगेगा तो लगने दीजिए, इंटरव्यू हो रहा है। और इस यज्ञ को कराने के लिए भैया ने जिस तरह से सारे लोगों को एकत्रित किया है, सबको इकट्ठा किया है, सत्यप्रकाश भैया का बहुत बहुत अभिनंदन आभार। और हम सभी कलाकार गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हमारे जिला में इतना बड़ा यज्ञ का आयोजन किया गया है और बहुत सौभाग्यशाली है और हम लोग आज इसमें सम्मिलित होने जा रहे हैं। चलिए कितना अच्छा लग रहा है कि क्योंकि आपका 2 तारीख कल था, कल की परसों था, नहीं मेरा 30 तारीख कार्यक्रम था लेकिन बारिश होने के कारण पोस्टपोन्ड हो गया। तो जो लोग मुझे इतना प्यार करते हैं उनको हम छोड़ के जा नहीं सकते। चलिए देखिए लगातार हम लोग दिखाते रहेंगे, वहाँ तक भीड़ जो लेकर अभी अभी पहुँच रहे हैं। देखिए क्राउड हो गया है लेकिन देखिए देख पा रहे दोस्तों, राकेश मिश्रा जी का गाड़ी यहाँ पे अभी इन करने वाला है। दोस्तों राकेश मिश्रा जी यहाँ पे अभी जग में आ चुके हैं, देख पा रहे उनकी गाड़ी यहाँ पे। और दर्शकों के दिखाने का प्रयास करेंगे। देखिए राकेश मिश्रा यानी दल बल दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ये राकेश मिश्रा के ये काफिला है यानी आरा में लखमानी गांव में पहुंच चुका है। जाने के लिए वहां घर जाएंगे, राकेश मिश्रा देख पा रहे हैं लघुवानी गांव में यहाँ पे उतर चुके हैं, दल बल के साथ पहुँचे हैं और पहुँचे हैं, क्या कहिएगा आज यज्ञ में पहुँचे हैं राकेश मिश्रा जी। आज इतना खुशी हो रहा है देख पा रहा हूँ, यहाँ पे लघुवानी गांव में जो है राकेश मिश्रा जी आ चुके हैं, लग चुका है और देख पा रहे दोस्तों यहाँ पे बारिश हो गई, इसकी वजह से जो है थोड़ा सा रास्ता स्लिपली भी हो चुका है और इसके बीच में राकेश मिश्रा जी बचते बचाते मंच तक पहुँचने के लिए बारिश की वजह से इनका 30 तारीख को प्रोग्राम कैंसिल हो गया था और उसके बाद आज यहाँ पे आए हुए लघुवानी गांव में। आपके यहाँ देख पा रहे होंगे दोस्तों, देख पा रहे होंगे राकेश मिश्रा जी, राकेश मिश्रा जी आप आए, बहुत खुशी हुआ कि आपका प्रोग्राम ठीक हो गया था लेकिन आज मौका मिल गया दर्शकों के साथ अपने छू उठने और छुमाने के लिए, आप क्या कहिएगा। प्रोग्राम केवल धार्मिक क्यों करते हैं, मुझे लगता है कि इंसान को हर लेकिन क्या गाने की शुरुआत होगा हमारा दर्शकों को बताइए और चैनल पर बता दीजिए ताकि लोग पहुंच जाना चाहिए, क्या भजन गा दीजिए ना, भजन कोई दिक्कत नहीं है, लोकगीत यहाँ पर कोई आइटम सॉन्ग नहीं होगा। निहाल निहाल बट मुझे प्राउड है कि हमारे आरा के धरती पर ऐसा
बात पैदा है जिसने पूरे विश्व को पूरे इंडिया को मिला कर दिया, इसलिए ये सबसे ज्यादा चर्चा इस बिल। और आज के जिस दिन बारिश हुआ हम रात को ये सोच रहे थे कि हे भगवान ऐसा कोई काम ना हो गया है कि हमको जाना पड़े, क्योंकि हम आ गए हैं तो हम जब तक यहाँ आएंगे नहीं, भैया से मिले नहीं, जहाँ के लोगों से नहीं मिले, और इसमें एक चीज जानी चाहिए, भैया के सबसे प्यारे दुलारे सौरभ भैया उधर आप यहाँ तक लाने का ये मार्फत ये भैया को आदेश जो हो जाता है वो संभव है, लेकिन इनको भी नहीं पता, इनको नहीं पता है कि हम बहुत ज्यादा नारायण हमको बुला रहे थे इसके पहले भी, मैं आपने बोला ना कि आप भक्ति में मत भी बुला रहे हैं, मैं भाग्यशाली हूँ, मैं खुद को ऐसा रखा हूँ अपने लाइफ में। चलिए ठीक है, लेकिन आज हमारे चैनल पर आपका भक्ति में जो गाना नहीं होगा तो अधूरा हो जाएगा, ये खबर हमारा पूरा नहीं होगा, लेकिन आपका पूरा दबाव देकर कहिएगा तो आज आपको मंच के सामने से सुनना है, आज अकेला नहीं। चलिए कोई बात नहीं, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, देखा आपका एक लाइन। हाँ ठीक है ये हम लोग काफी विवाद में खड़े हो गए थे और इसी गाने को अगर इस तरह से बोलते हैं ना तो चीज बहुत डिफरेंट है, ये बताइए से सुन रहे वाल्मीकि रामायण मानस गीता वेद संहिता हनुमान चालीसा में बोले हैं कृपा, हनुमान चालीसा कराए ना उसने, वे हनुमान चालीसा संशोधित किए थे, चिड़कू सेवक को बुलाए थे, क्या गाया वो, मतलब आनंदित कर दिया, हनुमान चालीसा चार बार पाठ करवाया ना उसने, और वो जब लगा गाने जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जब पूरा पब्लिक गाने लगा एक साथ, तो क्या माहौल था देखने का, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन बारिश बहुत हो रहा है, हम बहाना किए तो कुछ नहीं बोले, अच्छा ठीक है फिर थोड़ा देर बाद बोले, लेकिन एक बात बोले सत प्रकाश, बोले कहा बहुत मन रखा है, अब हमको लगा कि नहीं अब तो खिलाना ही पड़ेगा, घरे भेजे हम वहाँ पे कोई आदमी नहीं, सब लेडीज लोग यहाँ पे थे, फिर हम बोले कि और गुरु जी कुछ खाइएगा, तो बोले कि गुंजा बा असल गुंजा भी नहीं, तो फिर लास्ट पर हम बोले कि काजू का वो है काजू फ्राइड है मतलब पैकेट था, लाओ लाओ वो खाते हैं, फिर काजू फ्राई खाए, खाने के बाद फिर सब विदाई हुआ है। ये सीरियल का एपिसोड हो गया है, भक्त और भगवान की परीक्षा एक साथ हुआ, श्री कृष्ण इंसान के रूप में आ जाए और कहें कि सब अभी हमें दूध पिया वो वही बात है, वही जा रहे किसान में दूध है नहीं परीक्षा देते, राज्यपाल बोलते रह गए यही परीक्षा की बारिश हो रही है चलिए अब राजभवन रुकिएगा, बोले ना ना जाओ राजपाल भवन में तो जा, हर गए